मॉर्निंग गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अगर आपको कोई भी इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम अगर आप अपना नहीं खोल पा रहे हैं तो support@clef.in पर आप ईमेल करेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो यहाँ आप देख रहे हैं, अगर अभी भी आपको अपनी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, उसको फुल मोड में चलाइए ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। और www.aspiration.ai अकाउंट पर आपका टाइम टेबल, आपके जो पिछले वीडियोस हैं, आपकी जो डाउट्स हैं और आपकी जो एक्टिविटीज हैं, क्लास नोट्स हैं, वो सभी अवेलेबल हैं। तो आप अगर कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो support@clef.in पर लॉग इन कर मेल भेजकर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बेटा आप क्लास में जल्दी आए, कुछ तो एक्स्ट्रा सीखने को मिलना चाहिए, तो चलिए आज कुछ अलग सोचते हैं। मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा और इस वर्ड को आपने न्यूज में, न्यूज़पेपर में और अगर पॉलिटिक्स में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो है इस वर्ड से परिचित होंगे। तो मध्य पूर्व शब्द का पहली बार प्रचलन 1900 के आसपास यूके यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ। मध्य पूर्व जो है वो अपने बड़े रूप में एक बहुत ही पुराना क्षेत्र है और यहाँ के विद्वान इसे सभ्यता का, सिविलाइजेशन का आरंभ स्थल की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के अलावा कई मतों और विश्वासों का जन्म हुआ। अब जब आप सुन रहे हैं यहूदी, ईसाई, इस्लाम, तो आपको लग रहा होगा ईसाई और इस्लाम धर्म तो मैंने सुना है पर शायद यहूदी वर्ड बेटा आपने नहीं सुना होगा। सो मिडल ईस्ट का बर्थ प्लेस ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। जुडाइज्म जो है ये वन ऑफ द ओल्ड मोनोथेस्टिक रिलीजन एंड वाज फाउंडेड ओवर 35 ईयर एगो। इसका मतलब ये बहुत पुराना है मिडिल ईस्ट में। जो ज्यूज हैं, जो जुडाइज्म को मानते हैं, वो बिलीव करते हैं दैट गॉड अपॉइंटेड द ज्यूज टू बी हिज चोजन पीपल इन ऑर्डर टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ होलीनेस एंड एथिकल बिहेवियर टू द वर्ल्ड। जुडाइज्म इन द मिडिल ईस्ट इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन इजराइल। ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर ये वाला धर्म ज्यादा देखने को मिलता है? इजराइल में मिलता है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे लोग चर्च में भी गए होंगे और इस वाले चित्र से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। तो आपको मालूम है कि क्रिश्चियनिटी इज एन अब्राहमिक मोनोथेस्टिक रिलीजन बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जीसस ऑफ नजारेथ। इट एडहेरेंट्स नोन एज क्रिश्चियन बिलीव दैट जीसस इज द क्राइस्ट हूज कमिंग एज द मसीहा वाज प्रोफेसेड इन द हेब्रू बाइबल कॉल्ड द ओल्ड टेस्टामेंट इन क्रिश्चियनिटी। एंड आप इसको देखकर ये समझ गए कि ये ईसाई धर्म का प्रतीक है। उसके बाद बेटा इस्लाम, आपने देखा मैं किसकी बात कर रही हूँ, मिडिल ईस्ट कंट्री की, जिन कंट्रीज में ये तीनों धर्म ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो द वर्ल्ड इस्लाम मीन्स, इस्लाम का ये सिंबल है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। फॉलोअर ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम, और मुझे लगता है इसके बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। मुस्लिम्स आर मोनोथेस्टिक एंड वर्शिप वन ऑल नोइंग गॉड who in Arabic is known as Allah. Follower of Islam aim to live a life of complete submission to Allah. तो क्या मैं जान सकती हूँ कि बच्चे मुझे बताएंगे हमने किस किस धर्म के बारे में बात की? आप जरा एक बार जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, सॉरी मैसेज कीजिए और मैसेज के थ्रू मुझे बताएं कि हमने किस किस धर्म के ऊपर बात की और कौन सी जगह की। क्या ये था या अमेरिका था, कौन सी जगह थी जिसमें हमने इन धर्मों के ऊपर बात की? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।
क्या बच्चे अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं YouTube पैनलिस्ट? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. यस 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 दे आर. ओके वेरी गुड. आप सभी बच्चे जो हैं वो इसका जवाब दे पा रहे हैं. सो शैल वी स्टार्ट द क्लास? एक बार आप दोबारा देख लीजिए जो हमने आज पढ़ा उसको. बेटा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका. ओके बहुत बढ़िया वेरी गुड. देखिए बच्चे जो हैं वो बता पा रहे हैं कि हमने आज एक नई जगह नई तरीके से हमने कोई क्विज नहीं किया. और आपको बाद में ये बताऊंगी कि हमने इस वर्ड का प्रयोग क्यों किया मिडिल ईस्ट का और उसके बाद जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. सो टाइम हो गया सर हम क्लास शुरू कर दें मैम? हाँ जी कर लीजिए रेनू मैम. ओके यस मैम कर लीजिए. ओके सो बेटा अब लगता है कि सभी बच्चे क्लास में आ गए होंगे और हम अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं. इट इज गुड टू सी ऑल ऑफ यू अगेन इन पॉलिटिकल साइंस क्लास. यहाँ पर डॉक्टर शेफाली गुप्ता कोर एकेडमिक यूनिट से. आई एम रेनू कश्यप लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम आरपीवीवी किशनगंज एंड वेरी टैलेंटेड अनुराग यादव जी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस लिंक रोड से मेरे साथ हैं जो आज की क्लास में आपके साथ बात करेंगे. हमारा चैप्टर सेकंड में अरब स्प्रिंग जो सीबीएसई में नया टॉपिक ऐड हुआ है उसके बारे में हम आज बात करेंगे. हमारे सपोर्ट पैनलिस्ट हैं सपोर्ट या मेन पैनलिस्ट मिसेज निशी प्रभा आरपीवीवी नगरी मिसेज सविता मदान आरपीवीवी लाजपत नगर डॉक्टर अल्पना सिंगल एसओई द्वारका सेक्टर 22 मिस्टर गोपाल शाही फ्रॉम आरपीवीवी यमुना विहार रुपेश कुमार फ्रॉम आरपीवीवी सेक्टर 9 द्वारका एंड प्रदीप त्यागी फ्रॉम स्कूल ऑफ एक्सलेंस रोहिणी सेक्टर 23. सो हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि क्लास इतनी लाइव हो इतनी अच्छी हो कि जो भी हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप अच्छे से समझ सके. सो बेटा पिछली क्लास के डाउट थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद क्लास में ध्यान से नहीं सुनते हैं जिसकी वजह से आप वही डाउट दे देते हैं जो आपको बता दिया जाता है. तो बेटा आप अपने इंस्पायरेशन अकाउंट को दोबारा खोल के वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं उसको अच्छे से समझें कि आपको क्या समझ में नहीं आया और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछें. बट एनीवे देवांश दुबे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? बेटा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों सेम होते हैं और ये दोनों ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं वैश्विक स्तर पर काम करते हैं. इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको हम एनजीओ कहते हैं और इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं. तो इनके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे और उदाहरण के तौर पर यूएन है डब्ल्यूएचओ है इनके नाम आपने सुन रखे होंगे. उत्कर्ष सोनी पूछना चाहते हैं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस इंटीग्रेशन? बेटा एक बार वीडियो खोलो लेसन खोलो और उसमें आपको ये सब मिल जाएगा. वैसे इनके आंसर मैंने आगे वाली स्लाइड्स में आपको दिए हैं आप बाद में भी देख सकते हैं और उसके जवाब को ले सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट रितेश कुमार आरजू शमा परवीन प्यारे हसन अवामवीर आनंद आपने से जिनके क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि वाकई में आपने शायद नहीं सुने होंगे. शमा परवीन
सो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि फोकस करें लेसन पे, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो दोबारा से लॉग इन करें और वीडियो को दोबारा से देखें बेटा, जरूर समझ में आएगा। उसके बाद था सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों हुई। हाँ, ये शायद हमने आपको नहीं बताया था। तो सद्दाम हुसैन जो हैं, वो आपको मालूम है इराक के राष्ट्रपति थे, और उनको फांसी इसलिए हुई कि इराक का एक क्षेत्र है दुजैल, दुजैल में 148 शिया मुस्लिम्स को मार दिया गया था। सद्दाम और उनके जितने सहयोगी थे उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया था, जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन को फांसी हुई, और सद्दाम हुसैन पे और भी बहुत सारे आरोप लगे हुए थे जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन को फांसी हुई। और वाह आवाम वीर आनंद, वाह भाई वाह, खाड़ी वार और कोल्ड वार, भाई कोल्ड वार पर तो इतनी बात हुई थी, तो आपको मालूम है खाड़ी वार हथियारों से लड़ा गया था, कोल्ड वार विचारों की लड़ाई थी। तो मुझे लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से लेक्चर को सुना करें, ताकि आपके डाउट्स ऐसे हो जो रेलेवेंट हो, उससे अलग क्वेश्चन हो। जैसे इन्होंने पूछा कि सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों हुई, तो बिल्कुल मुझे समझ में आया कि ये बात हमने पिछले लेक्चर में नहीं की थी, और आपने अगर इसके लिए पूछा तो आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। ये मैंने स्लाइड्स में आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, ताकि आप इसको एक बार जब दोबारा पढ़ लेंगे तो जरूर आपको पता लग जाएगा। सो हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेसन है। आपके सामने स्क्रीन पर एक मैप आ रहा है, ध्यान से आप इस मैप को देखें, सी द मैप केयरफुली। आप देख रहे हैं कौन कौन सी कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, यमन, ओमान, सोमालिया, ट्यूनिशिया, वेस्टर्न सहारा, बहुत सारी कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर ये कंट्रीज क्या कहना चाहती हैं, आप मैप में किन देशों को देख रहे हैं? तो बेटा ये जो है मध्य एशिया और अब यहाँ देखा उस नाम से देखिए, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जब मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते थोड़ा थोड़ा हमारे जहन में ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आप ये देख रहे हैं, उसके बाद ये आप याद रखेंगे कि ये मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देश हैं। आगे चलते हैं। अब अरब वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड को हम अरब राष्ट्रों के नाम से, ये 22 देश हैं जहां पे अरबी भाषा बोली जाती है, और अरबी भाषा बोलने के साथ साथ वो लोग अरब लीग के सदस्य हैं, तो इनको हम के नाम से जानते हैं। अरब दुनिया को अरब राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता है। अरब देश, अरब राज्यों में 22 अरब भाषी देश शामिल हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कौन से 22 अरब भाषी देश, मतलब इन देशों में अरबी भाषा बोली जाती है। और ये देश कौन कौन से हैं, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, मोरक्को, मोरतानिया, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, सूडान, सोमालिया, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, कोमोरस, इराक, जिबूती और संयुक्त अरब अमीरात। नाम कुछ अलग है, लेकिन बेटा जब आप इसको, और जैसे पिछले लेक्चर में आपको कोडिंग वाली भी एक लैंग्वेज बताई गई थी, तो वो खुद बनाकर भी आप इनके नाम अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये वो 22 अरब देश थे जिन्होंने अरब बनाया। उसके बाद कैसे हुआ, 21वीं सदी में पश्चिमी एशियाई देशों में लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए, द 21st सेंचुरी विटनेस एमर्जेंस ऑफ न्यू डेवलपमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन इन वेस्ट एशियन कंट्रीज।
इनमें विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलनों का दौर शुरू हुआ और ऐसे ही एक कार्यक्रम को अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है जो 2009 में शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 2008 में ही हो गई थी लेकिन उसके बाद 2009 में अरब स्प्रिंग शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि स्प्रिंग मीन्स व्हाट, मतलब अरब देश है, ये तो बात समझ में आई, पर स्प्रिंग क्यों? तो बेटा आपको एक बात बताती हूँ कि ये आंदोलन अरब देशों में एक अच्छे एम को, एक अच्छे उद्देश्य को लेकर किए गए थे, इसलिए अरब स्प्रिंग का इसको नाम दिया गया। मानसून, बहुत अच्छा सीजन, तो एक अच्छे उद्देश्य को लिया गया, किया गया जब कोई काम था तो उसको उन्होंने स्प्रिंग का नाम दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार शुरू हुआ, अरब बसंत या अरब स्प्रिंग का प्रयोग पहली बार 6 जून 2011 को अमेरिका का एक जर्नल प्रकाशित होता है फॉरेन पॉलिसी, जिसमें मार्क लिंच ने अपने लेख में इसका प्रयोग किया था। इससे पहले यूरोप में भी जब 1848 की क्रांति हुई तो 1848 की क्रांति के बाद भी स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन नाम का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई कि स्प्रिंग वर्ड का प्रयोग इसलिए किया गया कि एक अच्छे कॉज के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था, इसलिए इसको अरब स्प्रिंग कहा गया। अब आगे चलते हैं कि क्या था वो अच्छा काम जिसके लिए अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। तो बेटा इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 18 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बौजीजी के आत्मदाह के साथ हुई। इट बिगिन इन ट्यूनीशिया ऑन दिसंबर 18, 2010 विद द सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बौजीजी। अब एक प्रश्न और हमारे सामने आ गया कि मोहम्मद बौजीजी थे कौन, क्यों इनकी वजह से शुरुआत हुई और उन्होंने क्यों आत्मदाह किया। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी, मोहम्मद बौजीजी एक फूड सेलर थे जो घर में अपनी मदर, अंकल और 5 बहन भाइयों का पेट भरने के लिए फूड सेलिंग का काम करते थे, फल बेचने का काम करते थे। बट ही वॉज कॉन्टिन्यूअली हैरेस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल, अथॉरिटीज कॉन्फिस्केटेड हिज वेयर्स, बीट हिम एंड रिफ्यूज टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो उनको बहुत तंग कर रहे थे, जहां वो खड़े होते थे वहां उन्हें खड़े नहीं होने दिया जाता था। एक बार उनका सारा सामान ले लिया गया और उसके बाद उसको वापस भी नहीं किया गया। तो अब क्या हुआ, उन्होंने म्यूनिसिपल ऑफिस के बाहर खुद को आग लगा ली। किसने? मोहम्मद बौजीजी ने 18 दिसंबर 2010 को अपने आत्मदाह कर लिया, या आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। मोहम्मद बौजीजी एक अनएम्प्लॉयड था, 26 ईयर ओल्ड था, उसने गवर्नमेंट की तानाशाही से, गवर्नमेंट की परेशानियों से तंग आकर खुद को म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने आग लगा लिया। और इससे क्या हुआ कि ये आग सारे में फैल गई। अब ये आग कैसे फैल गई, वो आग नहीं, इससे क्या हुआ कि ट्यूनीशिया के बाहर के रातों रात ये खबर फैल गई कि ट्यूनीशिया में एक व्यक्ति ने सरकार के, गवर्नमेंट की अत्याचारों से तंग आकर खुद को आग लगा ली। तो उसके वजह से क्या हुआ, वहां पर प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। अब सबसे पहले आपको ये भी पता है क्योंकि ये ट्यूनीशिया में हुआ, तो क्या हुआ कि ट्यूनीशिया में ही सबसे पहले ये जन विरोध का प्रदर्शन शुरू हुआ होगा। तो आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात पता लगेगी, हाउ अ सिंगल मैच कैन इग्नाइट अ रिवॉल्यूशन, किस तरीके से एक माचिस की तीली ने की आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई और मिडिल ईस्ट में रातों रात किस तरीके से बदलाव आ गया। क्योंकि आपको मालूम है कि पाप का घड़ा भर चुका था और वो कभी भी फूटने वाला था। तो ट्यूनीशिया में मोहम्मद बौजीजी ने पुलिस भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया। इनकी मृत्यु ने
सरकार से असंतुष्ट वर्ग, अब असंतुष्ट वर्ग कौन से थे, जो पूरी जनता थी, उनको एक करने का काम किया और सरकारी विरोध के प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया, जिसमें समाज का पूरा तबका शामिल था, क्योंकि परेशान सिर्फ एक मोहम्मद बौजी जी नहीं थे, परेशान तो पूरा ट्यूनीशिया था। तो ट्यूनीशिया की इस घटना के बाद अरब जगत में अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ जन विरोध का प्रदर्शन तब से शुरू हो गया, क्योंकि आपको मालूम है कि कभी कितना भी आप किसी के ऊपर अत्याचार करते रहो, लेकिन एक टाइम में आकर उस अत्याचार का अंत होता है, और यहाँ पर भी यही हुआ। अब इसकी जो, अब जब ये ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, इसकी फ्लेम बहुत जगह तक पहुंची। फ्लेम यहाँ पर पहुंचने का मतलब है कि जब पता लगा कि ट्यूनीशिया में लोग इकट्ठा हो गए हैं सरकार के खिलाफ, तो जो बाकी अरब कंट्रीज थी, वो अरब कंट्रीज के लोग भी इसके खिलाफ खड़े हो गए। यहाँ पर सबसे पहले अल्जीरिया में, उसके बाद इजिप्ट में, जोर्डान में और यमन में, धीरे धीरे पूरे अरब में ये जो आग थी फैल गई। और आग फैलने का मतलब क्या है, सभी जनता ने, जो वहां रहने वाली जनता थी, वो जन विरोध खड़ा हो गया, उन्होंने अपने शासकों के खिलाफ खड़ा होना शुरू कर दिया। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, जन विरोध मतलब अब हम इस सरकार को आगे नहीं चलने देंगे। और वो क्या चाह रहे थे ये आप देखेंगे। तो क्या था, ये क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी, अलग अलग देशों में, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाकी जो अरब कंट्रीज थी, अल्जीरिया में, इजिप्ट में, जोर्डान में, यमन में, सीरिया में, बहरीन में, अल्जीरिया में, सूडान में, कुवैत में, तो बहुत सारी जगह में ये इनका अपोज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या समानता थी, अब आपको किस तरीके का क्वेश्चन भी आता है कि क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी, परंतु इनके विरोध प्रदर्शन के जो तौर तरीके थे वो एक से थे। आपको पता है कि जब कोई भी क्रांति होती है, जब हम सरकार से किसी भी बात में नाखुश होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम घर में बैठ के रोते तो नहीं, हम क्या करते हैं, इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हैं। आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा, आपने वैसे भी अपने देश में देखा होगा कि विरोध करने के तरीके कई तरीके के होते हैं। कैसे, कभी हड़ताल, कारखाना मालिक से कर्मचारी खुश नहीं है, उन्होंने हड़ताल कर दिया, हम काम नहीं करेंगे, धरना, मार्च और रैली। तो वहां पर भी यही हुआ कि इनके प्रदर्शन के तरीके सभी अरब कंट्रीज में एक जैसे थे, मतलब हड़ताल, धरना, मार्च और रैली, ज्यादातर शुक्रवार के दिन। आपको अभी मैंने बताया कि वहां पर इस्लाम भी था, जिसे आक्रोश का दिन कहा जाता है, को विशाल एवं संगठित भारी विरोध प्रदर्शन होता था, जब जुमे की नमाज अदा करके, जुमा मतलब शुक्रवार, जुमे की नमाज अदा कर सड़कों पर आम नागरिक इकट्ठे होते थे। आपने देखा होगा कि जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के लिए सभी लोग सड़कों पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो जुमे की नमाज पढ़ते थे तो क्या हुआ, बहुत सारी संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर इकट्ठा हो जाते थे, और इससे क्या हुआ कि उनको अपना विरोध करने में, अपना प्रदर्शन करने में और भी बहुत ज्यादा इससे फायदा हुआ। ऑल्दो दिस रेवोल्यूशन वाज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज, देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज इन द मैनर्स ऑफ देयर प्रोटेस्ट, जो अभी मैंने पहले आपको बताया, स्ट्राइक, पिकेट, मार्च एंड रैली। यूजली देयर वुड बी ह्यूज एंड ऑर्गेनाइज मास प्रोटेस्ट ऑन फ्राइडे, also known as the day of outrage, when common citizens gathered on the street to offer prayers. Social media had a unique and unprecedented contribution to the Arab revolution. Social media was used extensively to connect the far-flung people to the revolution in a very structured way. Ab Arab Spring ke jo krantikari the, aapko malum hai ki jab koi bhi
शेफाली मैम आवाज आ रही है? हेलो रेनू मैम, आवाज नहीं आ रही है अनुराग सर। हाँ शेफाली मैम यू कंटिन्यू, रेनू मैम का सिग्नल वीक हो गया, यू कंटिन्यू शेफाली मैम। बच्चों इसमें हम आपको जैसा कि बता रहे हैं अरब स्प्रिंग के बारे में, तो अरब स्प्रिंग के जो क्रांतिकारी थे उनको सरकार समर्थित हथियारबंद लड़ाके एवं अन्य विरोधियों से दमन का सामना करना पड़ा। तो आपस में एकजुट होकर इन्होंने एक अपना स्लोगन अपना नारा बनाया जो था जनता की पुकार शासन का खात्मा हो, यानी उन्होंने सरकार का विरोध किया शासन का विरोध किया और इसके साथ ही ये आगे बढ़ते रहे। नेक्स्ट स्लाइड। बेटा यस मैम, यस मैम आवाज, अब आपकी आवाज आ रही है। हेलो शेफाली मैम। यस मैम नेक्स्ट स्लाइड चाहिए थी फिर हमें। हाँ जी अनुराग नेक्स्ट स्लाइड कर दो मैम। स्लाइड तो वहीं से स्क्रीन शेयर हो रही है ना रेनू मैम के यहाँ से। ओके तो बेटा होता क्या है कि जब भी कोई क्रांतिकारी किसी भी प्रकार का क्रांति से भरा हुआ कदम उठाते हैं तो हर एक सरकार का ये प्रयास रहता है कि वो किसी भी प्रकार से उनके द्वारा जो क्रांतिकारी कदम है जो उठाए जा रहे हैं उनको दबाया जाए, उनको रोका जाए। उसके लिए वो अपने पूरे सिस्टम का प्रयोग करते हैं कि किसी भी प्रकार से क्रांतिकारियों को बंद करके एक जगह जेल में रख दिया जाए। तो ऐसा ही यहाँ की सरकारों ने भी प्रयास किया लेकिन फिर भी क्रांतिकारी अपना जो उनका उद्देश्य था कि जनता की पुकार शासन का खात्मा हो, अर्थात शासन तो हो लेकिन शासन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए, तो ऐसा प्रयास उन राष्ट्रों में किया जा रहा था। सर इसको स्टॉप कर दीजिए रेनू मैम। हेलो हेलो शेफाली मैम आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है, मैं शेयर करती हूँ अभी देख चेक करके। ओके शेफाली मैम शैल वी स्टार्ट अ क्विज? सर मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, अभी निशी मैम कंटिन्यू कर लेंगी। नेक्स्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट स्लाइड। यस ओके स्टार्ट।
तो बच्चों यहाँ पर आपको जो मेन चीज है ये बताई गई है कि अरब स्प्रिंग का जो मेन कारण था, मुख्य वजह थी, मेन रीजन था, वो क्या था। जैसा कि आपने अभी तक समझा, आम जनता की वहां की सरकारों से असंतोष था और आर्थिक असमानता वहां पर थी। यानी जो आम जनता थी वो वहां पर खुश नहीं थी, वो सरकार के जो निर्णय थे, सरकार के जो काम थे, वो जनता के फेवर में नहीं थे और वहां पर आर्थिक रूप से असमानता देखी जा रही थी। इसके अलावा जो दूसरा उसका कॉज था, रीजन था, वो ये था कि सरकार का जो रुख था वो तानाशाही का रुख था, मानवाधिकारों का वहां पे उल्लंघन हो रहा था और राजनीतिक रूप से जो भ्रष्टाचार है वो देखने को मिल रहा था। सरकार जनता की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रही थी कि वो जनता को रोजगार उपलब्ध करा पाए, वहां पे बेरोजगारी काफी फैली हुई थी। पूरी तरह से अगर हम देखें तो जो समाज की जो स्थिति थी वहां पर वो बहुत बदहाल हालत में थी, अर्थव्यवस्था जो थी वो भी प्रोग्रेस नहीं कर रही थी। इसके अलावा बहुत से दूसरे रीजन, लोकल रीजन भी थे जिसके कारण अरब स्प्रिंग जो है 2010 में वो मेन रूप से अरब के देशों में वो फैला। तो इंग्लिश में जो बच्चे हैं वो सुन सकते हैं एक बार, मेन रीजन जो थे अरब स्प्रिंग के डिससैटिस्फेक्शन ऑफ द जनरल पब्लिक विद द गवर्नमेंट्स एंड देयर एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाज देयर, बिसाइड्स दिस डिक्टेटरशिप, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, पॉलिटिकल करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैड इकोनॉमी एंड लोकल कॉजेज वर ऑल्सो प्रोमिनेंट। अभी तक आपको जो बच्चों पढ़ाया है एक रिकैप करते हैं और देखते हैं आपको इसके बारे में कितना समझ में आया। तो आप अपने आंसर के साथ तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, अरब स्प्रिंग बिगेन इन, अरब स्प्रिंग शुरू हुआ कौन से ईयर में शुरू हुआ, ये आपको बताना है। अपने चैट बॉक्स में आंसर लिखकर जल्दी से हमें इसका रिप्लाई करिए और देखते हैं आपने कितने ध्यान से इसको सुना है। YouTube पर ये स्क्रीन हमारी आ गई है क्वेश्चन की, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है और क्या बच्चे राइट आंसर दे पा रहे हैं, इसको हम चेक करते हैं। Yes, ma'am. राइट आंसर है अरब स्प्रिंग 2009 में शुरू हुआ था। और जो सबसे पहले राइट आंसर है वो दिया है इकरा सलीम ने, बहुत बहुत आपको बधाई बच्चे, आपने बहुत ध्यान से सुना है जितना भी लेक्चर आपको ये बताया गया इसके बारे में। और बहुत सारे बच्चों के हमारे पास आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे 2010 भी लिख रहे हैं। तो शुरुआत इसकी 2009 में हो गई थी लेकिन प्रॉपरली जो एक मिला डेट मिली थी वो उसको 2010 में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, इसमें आपको कंट्री का नाम बताना है, कौन से देश में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिखकर हमें बताइए। अभी भी बच्चे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे सही आंसर आ रहे हैं इसमें। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कौन से देश में हुई थी, इन विच कंट्री अरब स्प्रिंग वॉज स्टार्टेड। 2009, बहुत सारे बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं अभी। और पहला हमें आंसर मिल गया है इस वाले का, सेकंड वाले क्वेश्चन का, कृति कुमारी, कृति कुमारी ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड बच्चों, अरब स्प्रिंग की शुरुआत ट्यूनिशिया में हुई थी। इसके अलावा भी सृष्टि है और पूजा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका सही आंसर दे रहे हैं। वेल डन बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। यानी हमारी जो कोशिश है, एक नई यूनिट सीबीएसई ने ऐड की है और बुक्स में भी अभी इसका मैटर नहीं है, आपने बहुत ध्यान से सुना है और हमें लगता है हम अपने प्रयास में भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। बच्चों अब नेक्स्ट है आपका,
क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी, परंतु इसके विरोध प्रदर्शनों के तौर तरीकों में क्या समानता थी, यानी विरोध प्रदर्शन के क्या तरीके थे इसके बारे में? मैम मैं बताऊं कि क्या क्या तरीके थे? हाँ जी, हाँ जी मैम, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन और किसी बात को लेकर के बैठ जाना, चक्का जाम करना। यस, देखिए स्क्रीन पर बच्चों हम आपको दिखा रहे हैं, हड़ताल की गई थी इसमें, धरना दिया गया था, मार्च किया गया था, रैली निकाली गई थी। तो ये कॉमन तरीके थे जिसके द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध को दर्शाया गया था। अब आपको बताना है बच्चों, अरब स्प्रिंग के क्रांतिकारियों का नारा क्या था? What was the slogan of the revolutionaries of Arab Spring? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर मुझे इसका जवाब दीजिए। काफी बच्चों के क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि बुक चेंज हुई है हमारी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, बुक्स आपकी चेंज नहीं हुई है, लेकिन कुछ यूनिट चेंज हुई है। उनमें से एक यूनिट आपकी ये भी है, अरब स्प्रिंग। अभी भी बच्चे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं मुझे, धरना है, रैली है, स्लोगन के बारे में बताएं। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है इसका, और एक बार आपको राइट आंसर दिखाती हूँ मैं, जनता की पुकार शासन का खात्मा हो, ये इसका स्लोगन था। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के मुझे आंसर मिल रहे हैं। शवाना है और प्रभाकर कुमार है जो सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें आगे हम आपको बता रहे हैं कि उत्तरी अफ्रीका एवं खाड़ी के देशों में दशकों से सत्ता पे काबिज निरंकुश शासक अकूत संपत्ति जमा किए हुए थे। अकूत का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे, तथा सरकार में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैली हुई थी जो वहां के नौजवानों को नागवार गुजर रहा था। इन सब के बीच असमान छूती खाद्य मूल्य एवं तुरंत तुरंत आती अकाल ने जन असंतोष को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। फिर से एक बार जो रीजन है, जो कॉज है अरब स्प्रिंग का, वो इसमें डिफाइन किया गया है। जनता डिससैटिस्फाइड कब होती है कि जब वहां के नौजवानों को, जब वहां के यूथ को रोजगार नहीं मिलता है, और उसको जो आम चीजें हैं अगर वो महंगी मिलती हैं तो वहां पे असंतोष फैल जाता है। इसमें आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो उत्तरी अफ्रीका और खाड़ी के देश हैं, जिसको आपको मैप के द्वारा मैम ने दिखाया था कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें शामिल हैं अरब स्प्रिंग में, तो उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, उनके पास अकूत संपत्ति थी, और सरकार में भ्रष्टाचार था। इसका रिजल्ट क्या हो रहा था कि जनता के पास सुविधाएं या फैसिलिटीज नहीं पहुंच रही थी। इसके अलावा जो उनकी आम जरूरत की चीजें थी वो भी बहुत महंगी होती जा रही थी। तो नेचुरल है, अगर मान लीजिए किसी देश में सरकार कार्य कर रही है लेकिन वो जनता का ख्याल नहीं रख पा रही है, तो वहां पे असंतोष हो जाएगा। यही अरब स्प्रिंग में भी हुआ। तो इंग्लिश में अगर एक बार देखें कि ऑटोक्रेटिक रूलर्स हु हैड बीन इन पावर इन नॉर्थ अफ्रीका एंड द गल्फ कंट्रीज हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड करप्शन इन द गवर्नमेंट which was passing the war to the youth there. So this was the main reason and the prices of food were rising very high. अब ट्यूनिशिया में स्थित अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली थी। इसकी शुरुआत बच्चों कहाँ से हुई, जैसा कि आपने अपने आंसर में भी बताया और ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, ट्यूनिशिया में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां पे अरब स्प्रिंग ने अपनी जड़ें जमा ली थी। और किसके खिलाफ अरब स्प्रिंग किया गया था? भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और गरीबी के खिलाफ जनता ने संघर्ष शुरू किया था।
बाद में धीरे धीरे जब और लोग आते गए, जनता आती गई, तो ये एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। उसका कारण क्या था कि जो लोग थे उनकी जो समस्याएं बढ़ती जा रही थी, उसकी तरफ जो वहां की सरकार थी या निरंकुश तानाशाही के रूप में उसके परिणाम के रूप में मानते हैं, यानी जनता की समस्याओं का समाधान वहां पर नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। तो दिस वॉज स्टार्टेड इन ट्यूनिशिया एंड द मेन रीजन वॉज करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, बिकॉज द प्रॉब्लम ऑफ द यंग पर्सन वॉज नॉट सॉल्व, दिस रिजल्टेड इन अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग सरकार विरोधी प्रदर्शन, विद्रोह और सशस्त्र विद्रोह की एक श्रृंखला थी। यानी आपको बच्चों ये पता लग गया कि कहां पर हुआ, दूसरा आपको ये पता लग गया कि क्यों किया गया अरब स्प्रिंग, और इसमें अब क्या क्या किया गया। तो इसमें सरकार विरोधी प्रदर्शन किए गए, यानी जनता जो डिससेटिस्फाइड थी सरकार से, उसने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और सशस्त्र विद्रोह भी किया, और जो शुरुआत जिसकी हुई थी 2010 में। अरब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में ये फैल गया था, ना केवल ट्यूनिशिया बल्कि और जगह भी ये फैला, और ये दमनकारी अपराधों और जीवन स्तर के निम्न स्तर के जवाब में शुरू हुआ। अरब स्प्रिंग के कारण अगर आप देखें, जैसा कि पहले भी डिस्कस कर दिया इसमें, तो मेन रीजन क्या था, लोगों के बीच में गरीबी थी, वहां पर बेरोजगारी थी, मध्य पूर्व में सत्तावादी शासन था। सत्तावादी शासन का मतलब क्या हुआ कि जो सरकार सत्ता में थी वो जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, राजनीतिक रूप से भ्रष्टाचार वहां पर देखा जा सकता था, सिविल सोसाइटी और सेना की सक्रियता वहां पर देखने को मिल रही थी, मानवाधिकारों का वहां पे उल्लंघन हो रहा था, बदहाल अर्थव्यवस्था थी, और स्थानीय कारण इसके अलावा अलग थे। तो मेन रीजन ऑफ अरब स्प्रिंग वर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अथॉरिटेरियन रूल इन द मिडिल ईस्ट, पॉलिटिकल करप्शन, सिविल सोसाइटी एंड मिलिट्री एक्टिविज्म, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस, बैड इकोनॉमी एंड लोकल कॉजेस। किस तरीके से अरब स्प्रिंग जो था उसमें जनता आगे बढ़ी, जनता ने स्ट्राइक करना शुरू करी, हड़तालें करना शुरू करी, जनता ने धरना देना शुरू किया, मार्च किए गए और रैलियां यहाँ पर निकाली गई, स्ट्राइक्स, मार्च एंड रैलीज। अरब स्प्रिंग से प्रभावित देशों में विरोध प्रदर्शन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का काफी ध्यान अपनी ओर खींचा है, जबकि कठोर प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं की निंदा की गई। बहरैनी, मोरक्कन और सीरियाई विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया काफी सूक्ष्म रही है। कुछ आलोचकों ने फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई पश्चिमी सरकारों पर अरब स्प्रिंग पर नकली प्रतिक्रियाओं के आरोप लगाए हैं। नोआम चॉम्स्की ने ओबामा प्रशासन पर क्रांतिकारी लहर को ढकने और मध्य पूर्व में लोकतंत्रीकरण के प्रयासों को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। इस स्लाइड में बच्चों जो प्रतिक्रिया है, अगर मान लीजिए विश्व में कोई भी घटना कहीं पर होती है, तो वैश्वीकरण के युग में उसके जो जो प्रतिक्रियाएं हैं, मैम आप सुन रहे हो मेरे को? यस मैम। हाँ जी, तो क्या मैं कंटिन्यू करूं? यस मैम करिए। नेटवर्क की कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, अभी मैं टैब से आपको दोबारा से ये कर रही हूँ। तो शिफाली मैम थैंक यू वेरी मच, एंड बच्चों आपने कुछ स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा मैम, आप ने बच्चों अभी आप मेरी आवाज तो सुन रहे होंगे, तो आपको ये पता था कि ये जो अरब स्प्रिंग जो शुरुआत हुई, ये तानाशाही से लोकतंत्र, मतलब डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ इसका बहाव था। ऑटोक्रेसी जो थी वो डेमोक्रेसी में बदल रही थी,
ऑटोक्रेसी, तानाशाही, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, क्योंकि अभी तक जो भी आपने देखा तो आपको ये पता लगा कि सभी जो देश थे अरब के वो क्या चाहते थे कि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। यहाँ पर आपने जब पढ़ा तो आपको पता लगा कि इजिप्ट में 30 साल तक होस्नी मुबारक जिन्होंने राज किया था, जो 30 साल तक राज कर रहे थे, जब ये बात हुई अरब स्प्रिंग में, जब लोगों के बीच में एकदम से ये लोकतंत्रीकरण का प्रयास हुआ, तो होस्नी मुबारक ने 25 जनवरी 2011 को वहां पर ये शुरुआत हुई इजिप्ट में, और 2 हफ्ते और 3 दिन में वहां पर डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई और होस्नी मुबारक को अपना पद छोड़ना पड़ा। उसके साथ साथ यहाँ पर मैम अगली स्लाइड ले लीजिए। यहाँ पर आप अंतर्राष्ट्रीय, आपको पता है कि जब कोई भी इस तरीके की बातें होती हैं तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो लीबिया में अमेरिका ने इसका बहुत फायदा उठाया, जब ये जो जंग थी, जो ये लड़ाई थी, जब लीबिया में पहुंची। लीबिया भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि मिडिल ईस्ट की ही एक कंट्री है, तो लीबिया में जब ये लड़ाई पहुंची तो अमेरिका ने इसका बहुत फायदा उठाया और नाटो के साथ मिलकर उन्होंने लीबिया को बहुत हथियार मुहैया कराए। 15 फरवरी 2011 को ये हवा वहां लीबिया में पहुंची और 20 अक्टूबर 2011 को अमेरिका का दुश्मन गद्दाफी मारा गया वहां पर। अब देखो, जरूरी नहीं होता कि जब किसी भी जगह पर किसी चीज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए प्रयास किया जा रहा है तो वहां एकदम से वो आ जाए, तो ऐसा तो नहीं था। तो वहां पर डेमोक्रेसी तो नहीं आई, लेकिन प्रयास जो है वो वहां पर अभी भी जारी है। और उसके साथ साथ जो आसपास की अरब कंट्रीज हैं वो भी इस लड़ाई में शामिल हो गई। तो इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF है, उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अशांति की वजह से, अब आपको मालूम है जब कोई भी लड़ाई होती है, चाहे वो लड़ाई डेमोक्रेसी के लिए हो या किसी भी तरह से हो, तो एक अनुमान लगाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी ये कहा कि इस अशांति की वजह से तेल की कीमतें जो पहले की कीमतें हैं उनसे अधिक होने की संभावना है। तो क्या चाहेंगे कि यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ लड़ाई समाप्त होनी चाहिए और जनता जो चाहती है वो होना चाहिए। इसीलिए ये क्षेत्र, क्योंकि आपको मालूम है जब इन क्षेत्रों का नाम आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम है ये क्षेत्र तेल उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2010 दिसंबर से जो वैश्विक निवेशक हैं उन्होंने मैना क्षेत्र की कंपनियों में अपना निवेश काफी घटा दिया, जिसके कारण क्षेत्र के शेयर सूचकांक में भारी गिरावट आई। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज सेड दैट ऑयल प्राइसेस आर लाइकली टू बी हायर देन प्रेडिक्टेड प्राइसेस ड्यू टू अनरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। इट इज नोटवर्दी दैट दिस एरिया इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑयल प्रोडक्शन। सिंस डिसंबर 2010 ग्लोबल इन्वेस्टर्स have significantly reduced their investment in companies in the MENA sector, which has led to steep decline in the sector stock index. अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि मैम MENA क्या है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड मैम, मैम नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी मैम, कर रही हूँ। हाँ जी, तो आप यहाँ पर चाहेंगे पता करना कि मैना क्या है। तो मैना रीजन क्या है मैम, पिछली स्लाइड, मैना रीजन क्या है, ये मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का कुछ क्षेत्र। आप यहाँ पर एक मैप देख रहे हैं और इसमें आप देख रहे हैं इसको मैना रीजन कहा जाता है। एम फॉर मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इज अ मैना रीजन। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, अल्जीरिया, बहरेन,
डिजिबोटी, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, ट्यूनिशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पैलेस्टाइन एंड यमन। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहाँ पर जब अरब स्प्रिंग के बारे में देखा तो बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से उसको समझा। तो केनन इंजन नाम के एक जर्मन कुर्दिश राजनीतिज्ञ ने कहा, लैटिन अमेरिका में 1970 से और 70 और 1980 के दशकों की लोकतंत्र की तीसरी लहर से स्पष्ट रूप से मिलती जुलती गुणात्मक विशेषताओं के कारण अरब और इस्लामी देशों में उठे विद्रोह को लोकतंत्र की तीसरी लहर के रूप में पहचाना जाता है। मतलब उनका क्या कहना था कि डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके से ये सभी कंट्रीज आगे आई तो इनको लोकतंत्र की तीसरी लहर के रूप में जाना गया, क्योंकि आपको मालूम है कि रिवॉल्यूशन इज ए पार्ट ऑफ इवेल्युएशन। मतलब उसमें जब कोई भी रिवॉल्यूशन होता है तो उसमें इवेल्युएशन भी साथ साथ होता रहता है। तो जैसे अगर हम विश्व की बात भी करें तो सूडान जो मिडिल ईस्ट का एक देश है उसमें उसको निरंकुश सरकार की दया पर छोड़ दिया गया। अमेरिका, रूस या चीन सूडान के लोकतांत्रिक परिवर्तन का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन सूडान में एक बात जो आपको जानने वाली है कि वहां की क्रांति आज भी अहिंसक है और वो चाहते हैं कि वहां पर लोकतंत्र की कामयाबी हो, क्योंकि हम हर एक कोई ऑलमोस्ट एवरीवन वांटेड ए रिजीम चेंज एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। क्योंकि जब विश्व के बाकी देशों में वो देश देखते हैं कि लोकतंत्र किस तरह से और कितनी अच्छी तरीके से कामयाब है तो लोकतंत्र को वो वहां पर चाहते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब यहां पर अरब लीडर क्यों हुआ ऐसा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी भी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे जहन में, आई एम बीइंग अ स्टूडेंट, आपके जहन में बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे कि ये क्रांति क्यों हुई। तो यहाँ पर क्या था कि अरब लीडर ना तो कभी अपनी जनता की जरूरतों को समझ पाए और ना ही कभी उन्हें सम्मान दिया। जब कभी जनता ने अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई तो रूलर्स ने उसे इग्नोर किया और जनता को कभी भी एकजुट नहीं होने दिया, जिसकी वजह से जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि एक बस चिंगारी की जरूरत थी और क्या हुआ कि वो अपनी ही जनता के खिलाफ वेपन्स का प्रयोग करने लगे। तो फिर क्या था कि जब वो अपनी ही जनता के खिलाफ वेपन्स का प्रयोग करने लगे तो स्वाभाविक सी बात थी कि जनता में आक्रोश तो भरा हुआ था, बस सिर्फ उनको क्या चाहिए था, एक पीली की जरूरत थी कि किस तरीके से हम इनको सत्ता से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे दिमाग में सवाल कि एक लाइन में अरब स्प्रिंग के कारण क्या थे, गरीबी और बेरोजगारी, क्योंकि इन 22 अरब कंट्रीज की अब अगर आप बात करते हैं तो वर्षों से कई लोगों ने बहुत ही गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयासों की आलोचना की गई, क्योंकि सरकार जो है वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और अरब देश जो है वो बेरोजगारी का सामना कर रहे थे और विशेष रूप से जो शिक्षित युवा आबादी है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी। उसके अलावा मध्य पूर्व के मिडिल ईस्ट के सभी देशों में कैसा शासन था, डिक्टेटरशिप थी। ट्यूनेशिया में बिन अली, मिस्र में मुबारक, लीबिया में गद्दाफी, सीरिया में अल असद, ऐसे लोगों का शासन था और सभी ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग किया। किसी भी विरोधी आवाज को दबाने का उन्होंने हर संभव प्रयास किया। इसके अलावा अपने शासन काल में इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो थे, इनके जो राष्ट्रपति थे, इनके जो प्रधानमंत्री थे, इनके जो शासक अध्यक्ष थे, उन्होंने मानव अधिकारों का भी हनन किया। मतलब ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। उसके साथ साथ
सिविल सोसाइटी ने भी लोगों के बीच में जाकर फिर क्या किया, इन लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया ताकि जनता विरोध प्रदर्शन में शामिल हो। अल्जीरिया में भी सेना का अपना एजेंडा है और जनता जो है इनके खिलाफ खड़ी हो जाए। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा करने से कोई फायदा हुआ? हाँ, बिल्कुल फायदा हुआ। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ट्यूनिशिया में गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया गया। प्राइम मिनिस्टर घनौची जो थे उनको रिजाइन देना पड़ा। उसके अलावा जो रूलिंग पार्टी RCD थी वो डिसॉल्व हो गई और जितने भी जेल में लोग थे उनको रिलीज कर दिया गया, उनको जेल से निकाल दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फिर से इलेक्शन हुआ। और इसके साथ साथ अल्जीरिया में भी यही हुआ कि 19 सालों से जो शासन चल रहा था उनको हटा दिया गया, क्योंकि जनता ने जब उनका विरोध किया तो वहां पर सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया। उखाड़ के फेंक दिया से मतलब यहाँ पर सरकार वहां से जो उनकी डिक्टेटरशिप चल रही थी उसमें कमी आई। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए यहां पर आप बहुत सारे देशों को देख रहे हैं जिसमें डेमोक्रेसी ब्लू कलर से, ऑटोक्रेसी और रिस्ट्रिक्टेड डेमोक्रेसी ग्रीन कलर से, फुल ऑटोक्रेसी ब्लू येलो कलर से, और जहां पर सिविल वार फेल्ड हुआ उसको रेड कलर से शो किया है। क्योंकि आपको यहां मैं एक बात और बता दूं कि विश्व की जो महाशक्तियां कौन सी, अमेरिका, इटली और फ्रांस का ये मानना था कि बुतेफ्लिका और अल बशीर की सत्ता पतन से उत्तरी अफ्रीका में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है। इटली का भी मानना ये था कि ऐसी स्थिति में अगर यहाँ सब जगह लोकतंत्र आ गया तो यूरोप में प्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अदन की खाड़ी, जो पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है और अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला है, वहां मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और इजराइल के अपने अपने हित हैं। रूस अल्जीरिया और सूडान पर नजर रख रहा है क्योंकि उसके लिए सत्ता परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे वह उन देशों के साथ सैनिक और राजनीतिक संबंध विकसित कर सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी मतलब कोशिश की गई कि वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो और कुछ हद तक सक्सेस भी उनको मिला और वहां के शासकों को इस बात का पता लग गया कि जनता अगर शासकों के खिलाफ हो जाती है तो वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करने से कोई उसको रोक नहीं सकता। यहाँ पर साथ में कुछ कह रहे हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब यहाँ पर अगर हम भारत की बात करते हैं, मैप में आपको इसलिए स्टेबल करके दिखा रही हूँ क्योंकि जब मैप का क्वेश्चन आता है, इन कंट्रीज के आपने नाम नए सुने हैं या आपके चैप्टर में भी नया एडिशन है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप बहुत ध्यान से सुने, नोट्स लें, जो आपको बताया जा रहा है उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की, तो क्योंकि जब लोकतंत्र की बात आती है तो सबके दिमाग में ये बात तो आती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में भारत का हमेशा प्रयास रहता है। इसकी अवधारणा जब आप बाद में सार्क कंट्रीज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मध्य पूर्व एशिया तक इसकी अवधारणा पहुंची। इन देशों में जो मध्य पूर्व के देश हैं, जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, लगभग 9 मिलियन भारतीय, 9 मिलियन इंडियन जो हैं प्रवासी समुदाय के रूप में वहां पर रहते हैं। प्रवासियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी योगदान दिया है और उन्होंने देश की भलाई और विकास के लिए प्रतिवर्ष लगभग $35 बिलियन की राशि अपने देश में भेजी है, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ मिस्र, ट्यूनिशिया, लीबिया, यमन, सीरिया में राजनीतिक उछाल देखा गया है। वहां पर रह रहे जितने भी भारतीय हैं उनके सामने भी बहुत चुनौतियां आई हैं। कई भारतीय श्रमिक इन देशों में अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में भारत सरकार
लगातार प्रयास में है कि वहां जल्दी से जल्दी शांति स्थापित की जा सके और विदेश मंत्रालय विदेश में अपने दूतावास से लगातार संपर्क में है। और बेटा बीच में क्योंकि कुछ इंटरप्शन हो गया था, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अरब लीडर जब कभी अपनी जनता की आवाज नहीं सुन रहे थे, जनता को कभी नहीं एकजुट कर पा रहे थे, जनता के ऊपर ही अपने वेपन्स का प्रयोग कर रहे थे, तो वहां पर एक क्रांति और आई जो आपने शायद पिछली स्लाइड्स में देखा होगा। वहां हमने डाला भी था कि सही मायने में 2010-11 में फेसबुक ने मिडिल ईस्ट में एंट्री ली, और फेसबुक और ट्विटर के एंट्री लेते ही क्या हुआ कि अब जनता के पास एक प्लेटफॉर्म था कि वो अपनी आवाज को सोशल नेटवर्किंग के जरिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी कंट्रीज अभी ऐसी हैं जहां पर फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, तो जैसे ही वहां पर फेसबुक ने शुरुआत करी तो वहां की 2011 तक वहां की जनता जागरूक हो गई कि उनको किस तरीके से अपनी जो परेशानियां हैं उनको विश्व के सभी देशों तक पहुंचाना है। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब देखिए आपको मैंने यहाँ पर होम असाइनमेंट तो दिया, लेकिन हाँ बिल्कुल आप कहेंगे कि मैम क्योंकि नया चैप्टर है आपको बार बार बेटा ये स्लाइड्स देखनी पड़ेंगी, एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी कि बीच में इंटरप्शन आने की वजह से जहन में बहुत सारी बातें थी जो शायद मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। तो अरब स्प्रिंग क्या था और यह कब हुआ था? जब हम होम असाइनमेंट देते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि इट इज योर वर्क और आप अपने आप करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो आपको शुरू में बताया गया था जहां आप बताएंगे अरब की जो 22 कंट्रीज थी, कम से कम आप उसमें से कुछ कंट्रीज के नाम जरूर याद करेंगे कि इन कंट्रीज ने मिलाकर अरब वर्ल्ड को बनाया जहां अरबी भाषा बोली जाती थी। और अरब स्प्रिंग से मतलब क्या था? क्योंकि एक अच्छे कॉज के लिए इसकी शुरुआत हुई थी इसलिए इसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आपको मालूम ही है कि ये मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देश हैं। अरब बसंत का प्रयोग पहली बार 6 जून 2011 को अमेरिका के जनरल में किया गया था और यूरोप में 1848 में भी स्प्रिंग वर्ड का यूज किया गया था। और बाकी जो आपने पहले देखा उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि बेसिकली इट वॉज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, मतलब सरकार के खिलाफ थी। अब व्हाई डिड द ट्यूनिशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट? आपने पढ़ा कि मोहम्मद बौजीजी के बारे में, तो ऐसी बात नहीं है एक सिर्फ उनको माचिस की तीली चाहिए थी, तो यहां पर आप बहुत आराम से लिखेंगे कि अरब में ये ट्यूनिशिया में रिवॉल्यूशन जो है 18 दिसंबर 2010 के बाद शुरू हुआ। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल मोहम्मद बौजीजी की पूरी स्टोरी लिखेंगे, किस तरीके से सरकार उनके ऊपर अत्याचार करती थी जिसकी वजह से वहां पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और वहां की जनता को सिर्फ एक मौका चाहिए था, क्योंकि जो शासक थे उनका पाप का घड़ा भर चुका था और वो कभी भी फूटने वाला था, सिर्फ एक पुश की जरूरत थी जो कि यहां पर जब उन्होंने आत्मदाह किया तो शुरू हो गया। उसके बाद अरब स्प्रिंग के दौरान ट्यूनिशिया में क्या क्या हुआ? तो ट्यूनिशिया में आपने पढ़ा पहले हड़ताल धरने, उसके अलावा ट्यूनिशिया से ही शुरू हुआ कि जो बाकी अरब कंट्रीज थी उनमें भी अरब स्प्रिंग फैल गया, वहां की जो जनता थी वो भी जागरूक हो गई कि अब हमें इन शासकों के अत्याचार को खत्म करना है। और ये क्या दौर था? तानाशाही से लोकतंत्र, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ का, ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी की तरफ का दौर था। अब मैं चाहूंगी थोड़ा सा मैसेज में आप ये बताएं कि आपको क्या अरब स्प्रिंग क्लियर हुआ? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन एंड थैंक यू शेफाली मैम, निशी मैम जिन्होंने इसको संभाल लिया। और आप अपने डाउट्स जब उसमें डालेंगे तो नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स मैं आपको सारे डाउट्स लिखकर आपके एस्पिरेशन अकाउंट में आ जाएंगे ताकि इस नए चैप्टर के नोट्स को आप और अच्छी तरीके से क्लैरिफाई
कर सकें. सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. थैंक यू.